हमने रस्सा त्रिपाल भी अपना खोल दिया, थोड़ा सा बारिश का मौसम, बाकी थोड़ा बहुत तरबूज ख़राब बराब निकल रहा है। सो ये गायों को डाल दिया गया, गाय खा रही हैं उसको। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव, स्वागत करता हूं गुरु आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई आपके वीडियो में बहुत गैप हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ अभी तक कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसका एक रीज़न था गुरु, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बता देता हूँ कि एक तो मैं अकेले गाड़ी चलाने वाला था और मेरी गाड़ी परमानेंट तरबूज पे चल रही है, कच्चे माल पे। तो मैं नया लड़का था मेरे साथ में, तो मैं थक जाता था इसलिए वीडियो वगैरह नहीं आ पाती थी। मामा बैठा है मेरे पास में, आपने पहले भी 14-18 गाड़ी जब मैं चलाता था तो देखा होगा। तो अभी मामा आ गया तो ये गाड़ी भाड़ी चला लेता है पूरा ड्राइवर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, तो टाइम मिल जाता है थोड़ा वीडियो बनाने का। तो इस वजह से आज ये मैं बहुत दिन बाद अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ गुरु। और इस समय मेरी गाड़ी जो है सिल्लीगुड़ी में खड़ी हुई है, सिल्लीगुड़ी मंडी का हम तरबूज लेके आए थे, जो कि नाइट में हम लोग आ गए थे, अभी तक तो खुला नहीं है। आज संडे का दिन है गुरु, तो आज मंडी बंद है। शाम के टाइम में ऑर्डर का माल है थोड़ा बहुत चला जाएगा, उसके बाद कल जो है गाड़ी खाली हो जाएगी। तो अपने यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे जो है मौसम में भी थोड़ी राहत है, थोड़ा सर्द का मौसम है और सर्द क्या मतलब बारिश होती रही है गुरु पूरी रात, और अभी अभी बारिश रुक के बंद हुई है। चलिए आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा क्या है। तो ये है गुरु बाहर का नज़ारा, बारिश होती रही है तो बहुत ज़्यादा पानी पूनी पूरा भर गया, और हम लोग गाड़ी के नीचे उतरते हैं तो पैर भी भीग जाते हैं, एकदम पानी भरा हुआ है क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही है और दिन में भी बारिश होती रही है। तो आज है गुरु संडे का दिन, आप लोग देख सकते हैं सारे शटर नीचे गिरे हुए हैं और गाड़ी अपने जहाँ जहाँ खड़ी हैं वहाँ वहाँ खड़ी हुई हैं आराम से। और मौसम की बात करें तो अभी भी मौसम में एकदम टाइट है, पता नहीं कितने टाइम बारिश हो सकती है। देख सकते हैं आप लोग बादल पूरे छाए हुए हैं और गर्मी से काफ़ी राहत गुरु, एकदम तरी आ रही है यहाँ पर मस्त वाली। तो दोस्तों ये तो मैंने आपके लिए दिखाया कि मौसम का हाल क्या है, तरी आ रही है, बारिश का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आप लोग कभी इधर आए हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग दार्जिलिंग आते ही हैं घूमने, टूरिस्ट वगैरह, तो दार्जिलिंग जहाँ घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे साथ एक भैया आए वो भी बोल रहे थे कि दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हम लोग बंधे हुए हैं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, हमें जिम्मेदारी ने जकड़ के रखा हुआ है मोटरबाजी में। तो हम लोग फ्री टाइम हमारे पास ज़्यादा होता नहीं, लेकिन जब भी कहीं फ्री टाइम हमें मिलता है तो हम घूमने ज़रूर जाते हैं। तो दार्जिलिंग घूमने का गुरु मज़ा ही अलग है, मौका मिला तो हम लोग भी जाएंगे वहाँ पर घूमने। और दार्जिलिंग के लिए जो है कोई आप लोग कहीं दूर से आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोई हवाई यात्रा तो है नहीं वहाँ के लिए, और हवाई जहाज से जो लोग बाहर से आते हैं वो सिल्लीगुड़ी उतरते होंगे पहले, क्योंकि बागडोगरा में हवाई अड्डा है और यहाँ से तो आपको फिर ट्रेन या फिर सड़क मार्ग से ही दार्जिलिंग पहुँचना पड़ता है। तो भाई लोग अभी 12:30-1 बजने वाला है और ये जिनका हम माल लेके आए हैं, जो बंदा माल वहाँ से लेके आया है, वो अपने घर से भैया टिफ़न में खाना भेजे हुए हैं हम लोग को। ये बहुत बड़ी बात है गुरु कि कहीं हम सिल्लीगुड़ी में, और ये देखिए भाई के घर से आई हुई है सब्जी, करेले की सब्जी है शायद, मुझे लग रहा है करेला ही है, और ये आई हुई है रोटी। तो भाई ने अभी अपने छोटे भाई को मतलब सब्जी रोटी पूरा टिफ़न पैक करा के भेजा कि दो बंदे हैं भाई गाड़ी पर, खाना दे के आओ। तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा गुरु, क्योंकि ऐसा कौन ड्राइवरों को अपने घर से खाना भिजवाता है। और बोल रहे थे भैया कि शाम को ही घर से ही खाना खाना, वो यहीं पे रहते हैं। तो अभी हम लोग गुरु खाना खाने वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हैं तैयार रखा हुआ टिफ़न में निकाल के। तो दोस्तों अभी हम लोग चले खाना खाने और एकदम सब्जी मज़ेदार तो लगी रही है दिखने में ही, देखते हैं अभी खाते कैसे, बढ़िया खाना है भाई, मज़ा आ गया गुरु। और सबसे बड़ी बात तो रोटी तवे की एकदम मस्त मुलायम रोटी है। तो भाई खाना खाया हमने, टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है गुरु, एकदम मस्त वाला, मामा भी खा रहा है अभी, पर हमको खाने के बाद लगा कि ये करेला नहीं है, तो होगी कोई सब्जी गुरु जो बंगाल में चलती होगी, लेकिन फिलहाल हमको पता नहीं ये कौन सी सब्जी है। ये देखिए केले की तरह गुरु आ रहा है थोड़ा थोड़ा इससे, मगर चौड़ा बहुत है ये काटा हुआ, उसे केला ही लग रहा है गुरु शायद हमको तो ये केले, लेकिन जो भी है मस्त है, एकदम बढ़िया बना हुआ है गुरु। तो गुरु खाना पीना खा के हम लोग आ गए बाहर, और ये मौसम है दिन के दोपहर का, दो खड़ी अपनी गाड़ी एकदम पैक, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है तो त्रिपाल खोला नहीं था।
और ये रही थोड़ी खींचकान और वो रही अपनी दुकान। और हमारे बगल में ये कैंटर खड़ी है, भैया सो गए हैं, कुछ माल लेके आए थे, ये भी कच्चा माल। जानते हैं लोग कच्चे माल की गाड़ी में स्थिति ऐसी हो जाती है, चलाते चलाते एकदम थक जाता है आदमी, टाइमिंग की गाड़ी सब रहता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है इस वजह से। और ये दोस्तों ऊपर हमने रस्सा त्रिपाल भी अपना खोल दिया, थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो थोड़ा ही खोला। और ये वाली गाड़ी आई हुई है, इसमें होगा माल अपना पलटी। वो मामा टहल रहा है उधर पीछे से खोल के त्रिपाल। मंडी तो एकदम शांति है गुरु, क्योंकि संडे का दिन है तो छुट्टी हो रखी है इस वजह से। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और मामा इधर आके पटकी खा गया है ऊपर टूल पे, और हम लोग गाड़ी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बाकी मौसम चारों तरफ एकदम ठंडा ही ठंडा है गुरु। और वो जो गाड़ी खड़ी थी इधर, उसमें माल पलटी हुआ नहीं, तो ये गाड़ी आई है अभी, इसमें माल जो है पलटी हो रहा है ये कैंटर में। बाकी थोड़ा बहुत तरबूज ख़राब बराब निकल रहा है, सो ये गायों को डाल दिया गया, गाय खा रही हैं उसको। बहुत सारी गाय अपने आप ही इकट्ठी हो गई तरबूज देखते ही, कि भाई उनको पता रहता है गाड़ी कहाँ कहाँ नहीं है, कौन सी गाड़ी से माल निकलेगा और कब हमें खाने को मिलेगा, ये सब अंदाज़ा रहता है इनके लिए। मंडी में रहती हैं गाय। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, और अपना आज का यही एक छोटा सा ब्लॉग था। मंडी भी बंद थी गुरु और हम लोग गाड़ी खाली भी हो ही नहीं है, तो जो भी था आपके साथ शेयर किया। और आज के इस छोटे से ब्लॉग को गुरु यहीं एंड करते हैं, बाकी जल्दी मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।